देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी वो मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है, प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीजें मेरे पास है, ये उनका कहना है। और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीजें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। आइए कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है, अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है। Is the relationships that are forged between the leaders of this alliance. And I can say with confidence that these two meetings have done a huge amount in building the rapport between all the leaders and ensuring that all of us work together as one. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।